नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आप सभी लोगों से कि एक ऐसा राजा था जिसने भारत ही नहीं भारत के बल्कि बाहरी हिस्से को पूरी तरीके से जीता था। और आप सभी लोग उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को ये नहीं पता होगा कि दोस्तों उसकी लाइफ में एक ऐसा वॉर हुआ, एक ऐसा युद्ध हुआ जिसकी वजह से उसको एक विध्वंसकारी राजा समझा जाता था। लेकिन फाइनली उसने एक बुद्धिज्म धर्म अपनाया और उसके बाद उसने कहा कि वो आज के बाद कभी युद्ध नहीं लड़ेगा। इवन उसने अपने बेटी बेटियों को भी युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, ये इस वॉर के सीरीज के सेगमेंट में आज हम आप सभी के साथ बात करने वाले हैं कलिंग वॉर के बारे में। इस धरती पे बहुत सारे युद्ध हुए हैं, भारत की धरती पे विदेशियों से बहुत बार अटैक होता हुआ देखा गया है और इतिहास के पन्नों में कितने न जाने कितने सारे युद्ध दर्ज हुए होंगे। लेकिन दोस्तों, ये युद्ध है, अगर आप देखें तो ये ऐसा युद्ध मैं बोल सकता हूँ जो अशोक की लाइफ में, जिसने हमें अखंड भारत दिया, उसकी लाइफ में इस युद्ध ने एक टर्निंग पॉइंट खड़ा कर दिया। और इस युद्ध के लिए हमें जानना होगा युद्ध की सारी चीज़ों को कि युद्ध में ऐसा क्या हुआ कि अशोक ने पूरी तरीके से अपने आप का धर्म परिवर्तन करा, और धर्म परिवर्तन के बाद पूरी तरीके से इस युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ। देन फाइनली अखंड भारत, जो पूरे पहला ऐसा राजा जिसने भारत ही नहीं भारत के बाहरी हिस्से को भी कैप्चर कर लिया था, उसको बाद में जाके वो सारी टेरिटरी उसको खोनी पड़ गई। तो आइए बात करते हैं कलिंग के इतिहास के बारे में। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर जो वॉर का सेगमेंट है, इसमें हम कलिंग के बारे में जानेंगे कि कलिंग का इतिहास जानेंगे। पहले कलिंग था क्या, या ये कहाँ से बिलोंग करता था, कलिंग किसी बंदे का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, किसी डायनेस्टी का नाम है, वो समझेंगे। साथ में हम देखेंगे कलिंग युद्ध का इतिहास कि कलिंग में ऐसा क्या हुआ कि इसकी वजह से जो अशोक था उसका हृदय पर परिवर्तन हुआ। कलिंग युद्ध में अशोक की सेना का क्या रोल रहा, कहा जाता है कि लाखों की लाखों सेनाओं को मार दिया गया, कत्लेआम हुआ, धरती में इतना सारा खून पड़ा हुआ था कि अशोक को यह देखा नहीं गया, एक ये रीज़न भी बोला जाता है इतिहास के अंदर। दूसरा ये बताया जाता है कि युद्ध अगर हुआ तो उसके कारण और परिणाम क्या थे। ऑफकोर्स देखो, कोई ना कोई युद्ध होने का एक रीज़न ज़रूर होता है कि उस टाइम पीरियड पर अशोक ने कलिंग को जीतने की कोशिश क्यों करी होगी, क्या रीज़न रहा होगा। और साथ में फिर हम उसके परिणाम भी देखेंगे कि युद्ध खत्म होने के बाद परिणाम क्या होता है, और युद्ध जो था कब और किसके बीच में लड़ा गया था, ऑफकोर्स ये तो पढ़ेंगे ही, और ये इतिहास के लिए हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो कुछ हिस्से क्लास 12th के बच्चों के बुक्स में दे रखा है, कुछ तमिलनाडु की बोर्ड में भी दे रखा है, जो बच्चे क्लास 6th की हिस्ट्री पढ़ चुके होंगे उनमें भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। सो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि किस तरीके से जो कलिंग का अगर हम इतिहास देखें, तो आज का अगर आप उड़ीसा देख पा रहे होंगे, कलिंग को आज का उड़ीसा कहा जाता है। वर्तमान समय में उड़ीसा प्रांत जो है, प्राचीन काल के समय में ये कलिंग कहा जाता था, याद रखिएगा इसे कलिंग कहा जाता था, और आज के टाइम पीरियड पर इसे उड़ीसा कहा जाता है। यानी कि कलिंग के नाम का प्रमाण या तो हमें दस्तावेजों में मिलता होगा कि वो उड़ीसा राज्य से बिलोंग करता होगा, प्राचीन काल में उड़ीसा था, तो ऑफ कोर्स हमें ऐसे बहुत सारे सबूत देखने को मिले। यहां पे एक शासक हुआ करता था, अगर मैं आपको पहले बताऊं, मतलब कलिंग का तो नहीं लेकिन बहुत टाइम पहले का अगर शासक देखा जाए, तो अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे एक डायनेस्टी राज किया करती थी, मगध के बारे में आप जो बच्चा इतिहास से बिलोंग रखता होगा उसे सभी को पता होगा कि मगध इज अ स्टेट जिसकी राजधानी थी राजगीर करके इसकी राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ पे इसको राजगीर, फिर राजगहा, देन पाटलिपुत्र, राजगीर में पटना भी हो चुका है ना, तो ये उस समय पे राजधानी थी। तो वहाँ पे मगध के अंदर एक राजा राज करता था, महापद्मनंद। महापद्मनंद नंदा डायनेस्टी का राजा था, और कुछ समय पे महापद्मनंद की जो डायनेस्टियाँ थी वो उस समय पे मगध सम्राट में तो थी, लेकिन साथ साथ में उसका कुछ अंग अगर हम देखें तो उस अंग में कहीं ना कहीं वो उड़ीसा का थोड़ा बहुत पार्ट भी उसके पास था। लेकिन फाइनली हुआ क्या, फाइनली हुआ कि कलिंग के इतिहास का ये इतिहास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब मगध को हराने के बाद चंद्रगुप्त आता है, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आता है, और बिंदुसार के बाद जब क्या कहते हैं 8वें वर्ष के अंदर क्या कहते हैं जब अशोक बैठता है गद्दी के ऊपर, तो उसके बाद उसको ये जो कलिंग वाला हिस्सा है उसको दोबारा जीतना पड़ जाता है। क्योंकि महापद्मनंद जो नंदा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उस टाइम पे मगध साम्राज्य जो थे वो चला तो रहे थे, मगध का हिस्सा जीत के वो चला तो रहे थे, और उड़ीसा के कुछ हिस्से भी जो थे वो उन्हीं के अंडर में थे, कहे तो का जो कलिंग का हिस्सा है वो उनके अंडरटेकिंग में आता था। लेकिन वही था, समय के साथ साथ वो निकलता चला गया, छूटता चला गया। देन फाइनली अशोक को दोबारा से उस पर विजय प्राप्त करके उस इलाके को जीतना पड़ गया था। ठीक है, ये कलिंग का इतिहास है, याद रखिएगा। इस युद्ध में कलिंग वासियों ने अशोक की सेना के साथ बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं युद्ध लड़ा, बहुत कुछ बैटल हुई, और इस विनाश को देखकर अशोक ने पूरी तरीके से धर्म परिवर्तन कर लिया, पूरी तरीके से वो चेंज हो गए। तो
ऐसा सबूत हमें वहाँ के आसपास के इलाकों में मिलता है। आसपास के इलाकों से हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। धौलागिरी नामक एक स्थान है जहाँ पे हमें ये भी सबूत देखने को मिलता है कि अशोक की सेना का यहाँ पे शिविर था, और बाद में जब उन्होंने यहाँ पे क्या कहते हैं युद्ध के बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था तो उन्होंने अपनी दीक्षा शिक्षा कलिंग के आसपास ही ली थी, और फाइनली जाके उड़ीसा के अंदर बहुत सारे स्तूपा बनवाए गए थे। बहुत स्तूपा आपको पता ही होगा कि क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म धर्म अपना लिया था, तो बुद्ध धर्म अपनाने के बाद पूरे भारत के अंदर 84,000 स्तूपा बनवाए गए थे अशोका के द्वारा। तो उड़ीसा में भी वो जगह थी जहाँ पे स्तूपों का निर्माण हुआ था। सभी स्तूपों में से सांझी का स्तूप बहुत फेमस है, जो क्या कहते हैं आपको पता ही होगा कि एमपी क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में है। वो किसी कारणवश आज तक बचा हुआ है, जो अशोक ने कभी बनवाया था। तो ये मेन कलिंग का इतिहास है, ठीक है, जो आपने जानना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो कई शताब्दियों तक कलिंग के अंदर परिवर्तन देखे गए हैं। कभी कलिंग के ऊपर खारवाल के राजा ने राज करा, अभी क्योंकि मैंने बताया कि कभी मगध के अंडर में ये राजा आता, मतलब मगध के अंडर में जो मगध क्या कहते हैं साम्राज्य था, मगध साम्राज्य उसके अंडर में भी, यानी कि नंद डायनेस्टी के अंडर में भी इस प्लेस को देखा गया। और कभी क्या कहते हैं खारवाल जो यहाँ के शासक बने, तो कभी गुप्ता साम्राज्य के अंडर में भी क्या कहते हैं आपका पूरा का पूरा जो मगध का हिस्सा, सॉरी आपका उड़ीसा का हिस्सा आता था, कलिंग का हिस्सा था, वो उनके अंडर में भी था। और 6th और 7th सेंचुरी के आसपास देखा जाए तो हर्षवर्धन जो थे उनके हाथों में सत्ता, मतलब कलिंग का हिस्सा जो था वो चला गया था। और उसके बाद यहाँ पे गंग वंश के क्या कहते हैं अनंत वर्मन जो थे उनके अंडर में भी क्या कहते हैं ये कलिंग पे इन्होंने 71 साल तक राज करा, देख सकते हो। मतलब ये मेन ये है कि कलिंग यानी कि उड़ीसा पे समय समय पे राजाओं ने राज किया था, मतलब समझ रहे ना। सिंपल सा फंडा आपने समझना है कि जिस समय पे अशोक था तो उस समय दूसरे राजा थे, उन्होंने उसको जीता, अशोक के मरने के बाद दूसरे राजा है, फिर दूसरे राजा है, फिर दूसरे राजा है, ऐसे सभी राजाओं ने धीरे धीरे उड़ीसा के ऊपर कैप्चर करते चले गए। और आज की डेट में अगर हम एट प्रेजेंट टाइम देखें तो भाई आज के टाइम में तो उड़ीसा के अंदर तो आपको पता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे कोई और भी यहाँ पे राज कर ही रहा होगा, है ना। तो ये समय के साथ परिवर्तन के बाद हमने देखा खारवाल के पास गया, उसके बाद गुप्ता साम्राज्य के लोगों के पास आया, हर्षवर्धन के पास आया, अनंत वर्मन जो क्या कहते हैं गंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे उनके अंडर में आया, तो ऑफकोर्स आए गए। टाइमलाइन बदलेगा तो राजा बदलेंगे, लोग बदलेंगे। अब कलिंग युद्ध जो इम्पॉर्टेंट है, अगर उसका इतिहास हम देखने की कोशिश करें कि कब और किसके बीच में ये लड़ा गया, तो मेनली अगर हम देखें तो अनंत नाथन ये है, इनके बीच में लड़ा गया था। और आप टाइम पीरियड याद रखिएगा, अशोक सम्राट अशोक और उनके बीच में, क्योंकि 261 BCE याद रखिएगा ईसा पूर्व है, यानी कि जीसस क्राइस्ट अगर आपको पता हो तो 0 में पैदा हुए थे, और BCE यानी कि 261 साल अगर आप पीछे चले जाएंगे तो लगभग ऐसा टाइम पीरियड बोला जाता है कि इस टाइम पीरियड में शायद से ये BCE के टाइम पीरियड में ये युद्ध हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये भी एक अंदाजा है क्योंकि हमें कुछ प्रूफ मिले थे। ऐसा बोला जाता है कि जब सम्राट अशोक से अगर इसका युद्ध हुआ होगा तो आपको पता होगा कि सम्राट अशोक का भी राज्य अभिषेक हुआ था, इससे कुछ साल पहले ही देखा गया था, तो ये जो युद्ध था उसके बाद ही लड़ा गया होगा। क्योंकि जब नंद डायनेस्टी के लोगों के पास ये इलाका था, यानी कि मगध आज सॉरी कलिंग आज का उड़ीसा, अगर वो नंद डायनेस्टी के महापद्मनंद के पास था तो ऑफकोर्स अशोक भी चाहेगा कि वो टेरिटरी उसके अंडरटेकिंग में आए। इसलिए लगभग कलिंग का युद्ध जो था सम्राट अशोक और वहाँ के उस टाइम के रहे राजा उनके बीच में लड़ा गया था, जो उस समय पर नाथन करके थे। भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पे दक्षिण में दया नदी के किनारे पे ये युद्ध लड़ा गया था। याद रखिएगा उस समय कलिंग राज्य उस समय छत्तीसगढ़, बंगाल, उसके बाद क्या कहते हैं झारखंड और आज का उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक स्थित था। मतलब आज जो आप उड़ीसा देख रहे हो ना एग्जैक्टली वैसा नहीं था उस टाइम पीरियड पे, कुछ कुछ हिस्सों को मिला के बना था। वो तो आपको पता है कि हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग 1556 के अंदर उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, उसके बाद हमने राज्यों को अलग अलग बनाया था। लेकिन 261 और 62 BCE के टाइम पीरियड में देखा जाए तो लगभग ये युद्ध इस टाइम पीरियड पे लड़ा गया होगा, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। क्योंकि ऐसा कहना इसी वजह से है कि जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे ना, वो लगभग क्या कहते हैं अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष पे ही उन्होंने युद्ध लड़ा था। ये मतलब जब उनका राज्य अभिषेक हो गया था, 8 साल पूरे हो गए, तो उन्होंने सोचा कि यार ये बैटल लड़ना पड़ेगा और कलिंग पे आक्रमण करना पड़ेगा, और उसके बाद ही क्या कहते हैं मुझे चक्रवर्ती कहा जाएगा। चक्रवर्ती मतलब चारों दिशाओं का राजा, जिसने पूरे के पूरे चारों दिशाओं को उन्होंने क्या कहते हैं जीत लिया हो। इस युद्ध के बाद ना, युद्ध में इतना टक्कर का युद्ध बोला जाता था कि
सम्राट अशोक के भी लाखों लाखों सिपाही मारे गए थे, और इवन सम्राट अशोक के सिपाहियों ने भी लाखों लाखों लोगों को मार दिया था। और मारने के बाद इस कलिंग के युद्ध के बाद अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया, और उसका हृदय परिवर्तन ऐसा हुआ कि उन्होंने मानवता के प्रति दया करुणा और पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमें ह्यूमैनिटीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि इतने सारे लोगों को मार दिया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अशोक की सेना उस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा क्रूर थी। मैंने कहा ना कि एक राजा रंक भी हुआ करता था कभी, मतलब इतना ज्यादा डेंजरस मैं कह सकता हूँ अशोक को, कि उस समय वो किसी को नहीं कुछ भी समझता था। भारतीय इतिहास में कलिंग युद्ध जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्या कहते हैं इतनी सारी सेना आई थी। हालांकि कोई लिखित प्रमाण इसका नहीं मिलता कि टोटली कितनी सेना आई थी, किसी ने गिना नहीं हुआ था कि 115,260 सेना आई हुई थी। कोई लिखित प्रमाण हमें ऐसा मिलता नहीं है कि एग्जैक्टली लिखा हुआ कुछ मिले कि कलिंग युद्ध के अंदर अशोक की कितनी सेना थी, या कितनी सेना का उन्होंने उपयोग करा, या कितनी सेना कौन से राजा के पास थी। लेकिन बस हमें इतना सबूत मिलता है, हमें इतना सबूत ये मिलता है अगर हम देखें तो अनुमान लगाया जाता है कि 10 लाख से बड़ी सेना अशोक अगर लेके गया होगा, युद्धभूमि के ऊपर उतरा होगा, तो अशोक ने पूरी तत्पर तैयार होके कलिंग वासियों के ऊपर अटैक करने की सोची थी। और इस अटैक की करने की वजह से कलिंग में से क्या कहते हैं जो भी विशाल सेना थी वो सारी रणभूमि पे उतरी होगी, और वहां का उस समय जो राजा हुआ होगा जो मैंने बताया था अभी आपको, तो उस समय उन्होंने उनसे लड़ा होगा और बहुत ही निर्दयपूर्ण वध किए गए, बहुत लाखों लोगों को मारा गया। उस समय ये नहीं देखा गया अशोक ने कि कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है, कौन मर्द है, कौन क्या है। इवन औरतों पे तो बच्चों पे तो वो हाथ नहीं उठाता था, लेकिन उस टाइम पीरियड पे ऑपोजिशन की तरफ से, मतलब दूसरी जो पार्टी थी जो कलिंग के राजा थे उनकी तरफ से जितनी भी सेना आई होगी, अगर 1-1.5 लाख सेना आई होगी, इतनी भी आई होगी तो बहुत सारे लोगों को मारा गया। सबूत इतना बताया जाता है कि कलिंग के अंदर 1.5 लाख युद्धबंदी बनाए गए थे वॉर के बाद, और उसके बाद 1 लाख लोगों को इंजरी हुई थी, देन फाइनली बहुत सारे लोग युद्ध के अंदर मारे भी गए थे। तो कहा जा सकता है कि अशोक ने शायद से 1 लाख लोगों की सेना को मार दिया होगा। वैसे तो नंबर बहुत बड़ा होता है, लेकिन इतनी सेना मार दी गई जिसके सबूत हमें पिल्लर में मिलता है। हमें वहाँ के आसपास के उड़ीसा के अंदर जो इंस्क्रिप्शन मिले थे, जो क्योंकि आपको पता है अशोक हर चीज़ को लिखवाता तो था ही नहीं क्योंकि पेजेस थे नहीं, लेकिन वो पत्थरों पर इंस्क्राइब करवा देता था, और पत्थरों पर जो लिखवा देता था ना उसके बारे में हमें मेंशन हुआ है 11वें, 12वें और 13वें पिल्लर्स में जो हमें उड़ीसा के अंदर मिले हैं। उन पिलर्स में हमें ये पता चला है कि उस टाइम पे 1 लाख से भी ज़्यादा सेना अशोक की सेना के द्वारा मार दिया गया था। जब अशोक अगले दिन उस वॉर बैटल पे पहुंचा था, उस वॉर फील्ड पे पहुंचा था, तो उसको समझ में आया कि इतने लाखों लोगों को मार दिया गया कि धरती पूरी तरीके से लाल पड़ गई है, पूरी लाल पड़ गई है, और इसकी वजह से क्या कहते हैं उसको अपना धर्म बदलना पड़ गया। अब ऐसे प्रमुख कारण हो सकते हैं कि उड़ीसा को जीतने का कारण एग्जैक्टली क्या होगा, बहुत सारे रैंडमली रीजन हो सकते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि अगर वो जीतना चाहता था तो सबसे पहले तो वो सोच रहा था कि अपना एरिया इस साउथ के इलाकों में ही वो फैला सके, ऑफकोर्स फैला सके, और वो चाहता था कि अपने साम्राज्य का उसका एक्सपेंशन भी हो, और साथ में वो चाहता था कि ज़मीनी और समुद्र दोनों मार्ग जो दक्षिण के अंदर, अगर आप देखें दक्षिण के अंदर यहाँ से घुसने के लिए जो नीचे की कंट्रीज है उनसे अलायंस बनाने के लिए कोस्टल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जहाँ पे कोस्टल लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है तो ये कारण बन जाता है कि भाई इस इलाके को जीतना ज़रूरी है। तो इसीलिए इस इलाके को जीता गया, एक कारण ये बताया जाता है कि इस इलाके को जीता इसलिए गया होगा कि वो दक्षिण के दक्षिणी पूर्वी के जो देश है ना नीचे के, आपको पता होगा इंडोनेशिया, उसके बाद थाईलैंड, मलेशिया, इधर के इलाकों से संपर्क बनाना बहुत आसान हो सकता है, म्यांमार, इधर के इलाकों से संपर्क बनाना बहुत आसान हो सकता है। इसीलिए इन इलाकों को जीतने के लिए अशोक ने इतना सारा युद्ध लड़ा होगा। इस युद्ध के बाद ये प्रमाण मिलता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ होगा और चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य का राजा था, चंद्रगुप्त का पोता था, बिंदुसार का बेटा था, उसने पूरी तरह से ये कहा कि भाई अब क्या कहते हैं युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। आपको पता होगा ये एक ऐसा व्यक्ति था जो सही मायने में खुद राजा नहीं बनने वाला था, और उनके बेटा बिंदुसार अपने बड़े बेटे को बनाना चाहते थे, उसका नाम यहाँ पे सुषम बोला जाता है, सुषम, और उस समय बड़े बेटे को बनाना चाहते थे अशोक को, अशोक नहीं बन रहा था और वो अपने बड़े बेटे सुषम को बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सुषम की हत्या करी। मतलब ऐसा कहीं कहीं तो ऐसा सबूत मिलता है कि अशोक ने क्या कहते हैं अपने भाइयों के साथ गृह युद्ध करा था, उसने अपने 100 भाइयों को मारा था इस पोस्ट पे आने की गद्दी पे आने के लिए। सोचिए ऐसा प्रूफ भी मिलता है। अब 100 भाई थे या नहीं थे ऐसा प्रूफ हमें एग्जैक्टली प्रमाण ये नहीं मिल पा रहा था कि टोटली सेना कितने, तो टोटली भाइयों का प्रमाण भी हमें कहीं नहीं मिलता। 2-3 भाई तो हमें फिर भी दिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे
अशोक ने इस बात का तो प्रूफ है कि अपने भाइयों को मारने के बाद वो गद्दी पे बैठा था, ये बिल्कुल सच है ये वाली बात। और अशोक उस टाइम से सोचने जी कितना निर्दयी था, तो वो वॉर के अंदर जब वो अपने भाइयों को मार सकता है तो वॉर के अंदर वो क्या लोगों को छोड़ेगा? ऑफकोर्स नॉट, वो नहीं छोड़ेगा। और इस वजह से क्या कहते हैं, उसने जब अशोक जीता इस जगह को, जब कलिंग को जीता, तो उस कलिंग को जीतने के बाद तो उसने युद्ध लड़ना छोड़ दिया, लेकिन उससे पहले उसने पूरा हिस्सा ईरान से लेके बर्मा तक, देख सकते हो इसे बोलते हैं अखंड भारत, बस साउथ के कुछ इलाके छूट गए थे, बाकी ये पूरा का पूरा इलाका मौर्य डायनेस्टी का उस टाइम पीरियड पे था। इसे ही अखंड भारत का निर्माण बोला जाता है और यही सपना मोदी जी का है। और जहां जहां तक अशोक ने अपना साम्राज्य फैलाया था, विस्तार किया था, वहां वहां पे अशोक के स्तंभ हमें देखने को मिलते हैं। अशोक से रिलेटेड जो क्या कहते हैं स्तूपा है वो देखने को मिलते हैं। अशोक क्योंकि बुद्धिज्म को मानता था तो उन्होंने बहुत सारे स्तूपा बनवाए थे, तो ऑफकोर्स ऐसा कहा जाता है कि अगर इतना बड़ा भारत है तो 84,000 स्तूपा बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना, अशोक के लिए 84,000 स्तूपा बनाना। स्तूपा बुद्धिस्ट से रिलेटेड, उनकी हड्डियां, उनके द्वारा यूज की गई चीजें, उनकी एक एक चीजों को कहीं ना कहीं रखा जाता था। अब यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जब सम्राट अशोक ने युद्ध लड़ा होगा तो वॉर के अंदर अगर मान लीजिए कि उसने रैंडमली 1 से 1.5 लाख लोगों को उसने और उसकी सेना ने मार दिया था, तो मारने के बाद उसकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया जब वो अगली सुबह गया, तो जब वो कलिंग के ऊपर अटैक करने जा रहा था, मतलब कलिंग को पूरी तरीके से कैप्चर करने जा रहा था, तो वहाँ के लोकल जो वुमेन्स थी ना वो खुद युद्ध में लड़ने के लिए अशोक को चैलेंज देने के लिए आ गई। उसके पीछे रीज़न ऐसा बोला जाता है कि जब अशोक ने 1 से 1.5 लाख लोगों को मार दिया होगा तो सोचिए उस पर डिपेंड बच्चे, महिलाएँ जिनका घरों पर वेट कर रहे होंगे, उनके लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। जब बॉडी लोगों के घर गई होगी और जब पता चला होगा कि वॉर बैटल के अंदर जो क्या कहते हैं अशोक है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक है, उसने उनके चाहने वालों को मार दिया, तो वहाँ की महिलाओं का दिल जो था वो ऐसा था कि वो कह रही थी कि वो अशोक से लड़ना चाहती हैं, क्योंकि अशोक जो था वो कभी महिलाओं को क्या कहते हैं नहीं मानना चाहता था। इसलिए जब उसको पता चला कि महिलाएं जो हैं वो अशोक का सामना करने के लिए तैयार है, वो इसलिए तैयार है क्योंकि पूरी तरीके से आपको पता है कि उनके हस्बैंड्स को, किसी के माता पिता को, उनको उन्होंने बेघर कर दिया, उनको बेसहारा कर दिया, उनके सर से जो बाप का साया होता है वो उठा लिया गया। सो ऐसा इतिहास में इसलिए बोला था, और इस वजह से जो तुरंत था अशोक वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कह सकता हूँ सिंपथी उसको बहुत ज़्यादा हो गई कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मैंने सिर्फ एक इलाके को जीतने के लिए मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया, जिसकी वजह से बहुत से लोग उनके अंडरटेकिंग में हैं, है ना। तो बहुत सारे रीज़न, और भी रीज़न बोले जाते हैं इतिहास में, बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन क्योंकि सम्राट अशोक जो था कभी महिलाओं के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन जब उसको ऐसा पता चला कि बहुत सारे लोग शहीद हो गए हैं और फिर उनके भाई, पिता, बेटे सभी शहीद हो चुके हैं सिर्फ अशोक की वजह से, और इसीलिए सारी महिलाएं उनके साथ युद्ध लड़ना चाहती हैं, तो इस वजह से सम्राट अशोक का दिल जो था वो मैं कह सकता हूँ कि हृदय बहुत भर गया, और फाइनली ही डिसाइडेड कि वो आज के बाद कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि मेरी वजह से एक जानवर भी मरे। और इसी वजह से जो परिवार उजड़ गए थे, जिनके बच्चे अनाथ हो चुके थे, उन सभी को उन्होंने पूरी तरीके से अपना जिम्मेदार माना कि मतलब मैं ही जिम्मेदार हूँ कि मेरी वजह से वो सारे लोग ऐसे लाइफ जी रहे हैं। इसी वजह से सम्राट अशोक ने अपना जीवन परिवर्तन करने की सोच ली, उन्होंने लाइफ में ये कहा कि वो कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, ये उनकी जीवन का आखिरी युद्ध होगा। जितनी डायनेस्टी बढ़ गई है, अहिंसा का मार्ग अपनाने से उन्होंने मना कर दिया और तुरंत बौद्ध धर्म अपना लिया। इसीलिए कलिंग का वॉर जो है एक ऐसे राजा के लिए इम्पॉर्टेंट है, सोचिए जो इतने सारे अपने भाइयों को मार सकता है, इतने सारे लोगों को मार सकता है, और हर किसी की लाइफ में ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है। और अशोक की लाइफ में ये था, आपकी लाइफ में भी कुछ और होगा, और ऐसे कई राजाओं की लाइफ में जो युद्ध लड़े थे उनकी लाइफ में भी हो सकता था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी सेम ऐसे ही होता, याद करिए आपने पद्मावत मूवी देखी होगी। तो अब यहाँ पे पूरी तरीके से अशोक ने जब इस धर्म को अपनाया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब इतनी बड़ी टेरिटरी का राजा एक बुद्ध धर्म अपनाता है तो सोचिए दूसरे देशों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी वजह से आप देखेंगे सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म का प्रचार करा, बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान तक, इसके अलावा कई लोगों ने कई भलाई के लिए जगह जगह पर निर्माण सड़कें बनवाई उसने, पीने के पानी के लिए तालाब बनवाया उसने, बहुत सारी चीज़ें करी। बेटे बेटियों को इवन उन्होंने कहा कि आप जाइए दूसरे देश में, थाईलैंड में, चाइना में, है ना, इंडोनेशिया में, धर्म का प्रचार करने के लिए कि लोग दूसरों से जले नहीं, लोगों पे अटैक ना करें, लोगों से प्यार प्रेम से बात करें। इवन उसने अपने पूरे साम्राज्य के अंदर पशु पक्षियों के लिए चिकित्सालय बनवाए, अस्पताल बनवाए, पानी पीने के लिए बहुत सारे तालाब, झील, झरने बनवाए।
इवन उन्होंने हर्ट अपने टेरिटरी में कई कई किलोमीटर तक पानी पीने के लिए प्याऊ बनवाए ताकि लोग प्यासे ना मरे। तो इसीलिए इस युद्ध का प्रमाण यह देखा जाता है कि एक एक इतना विनाशकारी परिणाम जो था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, और इसकी वजह से अशोक ने शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया और इस तरीके से उसने अपने आप को पूरी तरीके से परिवर्तित कर लिया। वो मगध के अंदर पाटलिपुत्र राजधानी में रहता था। इसका परिणाम ये हुआ कि उसने अपनी राजधानी क्या कहते हैं बदल ली और तोशाली उसने अपनी राजधानी कर दी। याद रखिएगा, तोशाली राजधानी बनाई गई थी और तोशाली राजधानी बनाने की वजह से वो पूरी तरीके से अशोक अपनी नीतियों के अंदर बदलाव करने लग गया। जहां वो साम्राज्य विस्तार की नीति करता था, लोगों को मानने की सोचता था, अब उसने उसका अंत कर दिया। उसने कहा कि आज के बाद वो नहीं लड़ेगा कोई युद्ध, वो अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार, इसका रास्ता अपनाएगा। तो इसीलिए उसने, आपको पता होगा, एक धम्मा नाम का सिद्धांत बनाया। धम्मा नाम का सिद्धांत क्लास ट्वेल्थ के बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है कि उसने सत्य का मार्ग अपनाया, उसने धम्मा प्रिंसिपल बनाया। उसने बड़े बड़े राजाओं को कहा कि कैसे अपने छोटे छोटे लेबर्स के साथ, सर्वेंट्स के साथ बहुत पीसफुल रहें, दूसरे धर्मों का इंपॉर्टेंट माने, ब्रह्मचारी लोगों को, गुरु लोगों को आप दान दीजिए, पशु पक्षियों को ना मारें। इवन उसने अपने साम्राज्य के अंदर इतना बोल दिया था कि किसी पशु पक्षी को मार के भी नहीं खाया जा सकता। इतना कुछ उन्होंने कर दिया था, वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुके थे। सोचे इसी वजह से कहा जा सकता है कि धीरे धीरे इसकी वजह से हुआ ये कि अशोक जो बुद्ध अनुयायी बन गया था, उसने बुद्ध का प्रचार करने की सोची थी, तो उसके बाद अशोक की डायनेस्टी भी खत्म होने लग गई थी। क्यों? क्योंकि युद्ध वो लड़ नहीं रहा था और उसके अंडर में जो लोग थे वो पूरी तरीके से क्या हो रहे थे, अशोक के खिलाफ होते जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अशोक अब कोई युद्ध लड़ेगा ही नहीं लड़ेगा तो सिंपल सी बात है, उसका पूरा का पूरा संसाधन, साम्राज्य संसाधन जो था प्रजा की भलाई में लग रहा है, तो अशोक को कभी भी मारा जा सकता है। इसलिए उसने धम्मा की स्थापना करी। धर्म है एक तरीके का, ठीक है ना, मतलब स्पेशली उसने अपना कोई धर्म नहीं बनाया, एक धम्मा सिद्धांत बनाए, रिचुअल्स बनाए बस उसने, और सभी जो दूसरे देश थे उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। इवन उसने कहा कि भाई मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा। इसलिए कलिंग का युद्ध जो है वो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था, और जब पतन का कारण था तो धीरे धीरे फिर डायनेस्टी खत्म होने लगी, और जब डायनेस्टी खत्म होने लगी तो नई डायनेस्टी आई, और आपको पता है उसके बाद शुंग डायनेस्टी के लोगों ने इस पर राज करना चालू कर दिया था, है ना। तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट बैटल में बताएंगे कि ऐसा बैटल जिसमें 1.5 लाख लोगों को मारा गया, इतनी सारी धरती पर खून खून पड़ा हुआ था, और उसके बाद पूरी तरीके से शांति और सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार की बात हुई, तो इसका मतलब यही है कि इस युद्ध ने अशोक को पूरी तरीके से बदल दिया, पूरी तरीके से बदल दिया। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस युद्ध के बाद मगध साम्राज्य जो था वो पूरी तरीके से शामिल तो कर लिया, उसने विस्तार तो कर लिया, तो साली कैपिटल तो बना दी, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस युद्ध से अशोक को, अशोक की लाइफ को एक सही दिशा मिल पाई। उसने जो गलती करी, जो इतिहास में उसने गलती करी, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि उसने अपने लाइफ को सही तरीके से परिवर्तित करा। इसी वजह से ये हमारे लिए, ये युद्ध, कलिंग का युद्ध, अशोक की लाइफ के लिए युद्ध और भारतीय इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जा सकता है। ठीक है, आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन। इसके परिणाम तो आपने देख ही लिए, ये सारे परिणाम हैं, है ना, और बाकी तो चीज़ें मैंने बता दी कि परिणाम यही हुआ कि इतने सारे लोग मारे गए तो लाइफ चेंज हो गई। सो इतना ही इसके अंदर है। आई होप आपको ये जो कलिंग का बैटल होगा उसके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिली होगी। आप कौन से वॉर के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सा ऐसा इतिहास में कोई वॉर हुआ था जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिस इज एंड दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वॉर के अगले सेगमेंट में।